मेरा नाम मनुज है और मैं पिछले साढ़े चार सालों से मैं टियांस में मुझे मौका मिला है काम करने का और जब से मुझे मौका मिला है मैं बहुत ही यहाँ पर सीख भी रहा हूँ और मैं काम भी कर रहा हूँ और आज मेरा रैंक जो है वो सेवन स्टार है मैं बहुत जल्दी एट स्टार के रैंक पे पहुँचने वाला हूँ और अपने सीनियर्स की गाइडलाइंस में मैं यहाँ पे सब कुछ कर रहा हूँ और अभी जो हम इन्वाइट करने वाले हैं वेलकम करने वाले हैं मैं जो है अपने मोस्ट जो हम सभी के जो मेंटर हैं हमारे नहीं हम सभी के जो मेंटर हैं तो आप सभी लोग उनका वेलकम करेंगे तालियां बजा करके जी तो आप सभी लोग रेडी रहिए तो हमारे बीच में बहुत ही बड़ी शख्सियत बहुत ही बड़ा रैंक और उस रैंक पे पहुंचने के लिए हम सभी लोग बहुत ही मेहनत करते हैं और वो कोई ऐसा वैसा रैंक नहीं है बहुत ही प्रीसियस रैंक है गोल्ड लॉइन गुप्ता सर जिन्होंने आज वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं यहाँ से जो हमें चाहिए और वो आगे बढ़ रहे हैं हमें साथ लेके चल रहे हैं तो मैं इनवाइट करना चाहता हूं वेलकम कर रहा हूं अपने क्लैपिंग के साथ में एसएस गुप्ता सर प्लीज प्लीज, प्लीज सर थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच रामनोज जी मुझे इनवाइट करने के लिए और बहुत ही शानदार आप एंकरिंग कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है और इसी तरह फ्यूचर में भी आप करिए और भी लोगों को मौका मिलेगा जो हमारे सेवन स्टार हैं उनको मौका मिलेगा एंकरिंग करने का और फ्यूचर में मौका मिलेगा उनको ट्रेनिंग देने का क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस जो है ये सीखने और सिखाने का ही बिजनेस है हम सीखते हैं और फिर सिखाते हैं तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग जितने भी लोग पैनल में हैं वंस अगेन मैं आप लोगों का हार्टली वेलकम करता हूं मेरा नाम एस एस गुप्ता है और मैं गोल्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूटर हूँ त्यांस इंडिया में पिछले दस सालों से लगातार काम कर रहा हूं अपनी हेल्थ को भी अच्छा कर चुका हूं और यहां से अपनी पर्सनालिटी को और अपनी इनकम को कई गुना ज्यादा मैंने यहां से बढ़ाया है तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है ट्रेनिंग का वो है इनविटेशन। इनविटेशन यानी हम कैसे लोगों को इनवाइट करें वो क्या तरीका है लोगों को इनवाइट करने का वो आज हम उस पर बात करने वाले इन्विटेशन पे तो हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत यूनिक टॉपिक है क्योंकि तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है लोगों को वो आती है कि हम किस तरह से लोगों को इनवाइट करें कि वो हमारी बात माने तो जनरली मैंने ये देखा है कि हम लोग ज्यादातर लोग रिक्वेस्ट करते हैं रिक्वेस्ट यानी बुलाने के लिए रिक्वेस्ट तो दोस्तों बुलाने के लिए इन्वाइट करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं राम मनोज जी जो लोग पैनल में आ रहे हैं आप उनको एडमिट करते रहिएगा ठीक है ना Okay, sir, तो आ, आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अगर आप इनविटेशन का सही फॉर्मूला जानते हैं इनविटेशन का सही तरीका जानते हैं तो आपको रिक्वेस्ट नहीं करना बल्कि आपको उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी है एक मौका देना है और एक समय ऐसा भी होगा मौका दे के मौका छीन लेना है टेक अवे कर लेना है यानी अपना हाथ ऊपर होना चाहिए क्योंकि हम किसी को कुछ देने जा रहे हैं किसी कुछ लेने नहीं जा रहे हैं तो ये इनविटेशन का पार्ट है कई बार क्या होता है कि हम इसमें चलते हुए सड़क पे भी हम कई बार हीरा बेचने की कोशिश करते हैं कई बार सब्जी मंडी में हीरा बेचने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से अगर आप सब्जी मंडी में हीरा बेचेंगे तो हीरा कभी भी नहीं बेचेगा हर चीज का एक प्रोसेस होता है एक तरीका होता है उस, उस तरीके के हिसाब से हमें चलना होता है तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है कि जब भी भी हम किसी को इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करने के लिए उसको पहले क्वालिफाई करना चाहिए हमें क्वालिफाई क्वालिफाई करना चाहिए यानी कि वो इनवाइट करने के काबिल है या नहीं सबसे पहली बात है कि वो इनवाइट करने के काबिल है यानी तो इनविटेशन से पहले हम लोग लिस्ट बनाते हैं लिस्ट में हमारे तीन सर्कल होते हैं एक होता है हॉट सर्कल दूसरा होता है वार्म सर्कल और तीसरा होता है कोल्ड सर्कल तो हॉट सर्कल कौन होते हैं दोस्तों हॉट सर्कल वो होते हैं जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं और वो भी आपको बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं जहां पे आपकी क्रेडिबिलिटी आपकी गुडविल बहुत ही अच्छी होती है वार्म सर्कल क्या होता है दोस्तों जहां पे आप जानते हैं और वो भी जानते हैं लेकिन रिश्ता थोड़ा सा दूर ही होता है थोड़ा सा इतना नजदीक नहीं होता तो वो वार्म सर्कल में आते हैं तीसरे कौन से लोग होते हैं दोस्तों जो आपके कोल्ड सर्कल में आते हैं यानी आप कुछ गिने चुने पांच सौ या हजार लोग ऐसे होते हैं जो आपके कोल्ड सर्कल और वार्म सर्कल में होते हैं और बाकी इस पूरी दुनिया में जो सात अरब लोग हैं पूरी दुनिया में जो सात अरब लोग हैं ये आपके कोल्ड सर्कल में कोल्ड सर्कल यानी अनजान लोग जिनको आप नहीं जानते हैं तो ये भी एक बड़ा टॉपिक है कि जब हमारे जो अनजान लोग जो कोल्ड सर्कल में लोग हैं हम उनको वार्म सर्कल में कैसे लेके आए वार्म सर्कल से हॉट सर्कल में कैसे लेके आए तो सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा कि आप जिसको बुलाना चाह रहे हो बुलाने के काबिल है भी या नहीं तो क्वालिफाई में सबसे पहले दोस्तों आपकी जो कैटेगरी होती है उसमें एक ए होता है और एक बी लिस्ट ए ए कैटेगरी में कौन होते हैं आपके हॉट सर्कल बी कैटेगरी में कौन होते हैं आपके जो होते हैं वार्म सर्कल तो इस तरह से आपको इनवाइट करना चाहिए लेकिन जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि आपको किस तरह से लोगों को इनवाइट करना है सबसे पहले आपको इनवाइट करना है अपने हॉट सर्कल को यानी जिनको आप लिस्ट बनाएंगे जिनको आप पहले जानते हैं पहले आपने उनको इनवाइट करना है जहां पे आपकी मतलब गुडविल बहुत अच्छी है जहां पे आपका एक दबदबा है ऐसे लोगों को सबसे पहले आपको इनवाइट करना है देन उसके बाद क्या होती है जो दूसरी चीज होती है आपने ये देखना है कि जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं वो आपसे अपर होना चाहिए यानी आपसे जो पैसे के मामले में आपसे थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए या फिर जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं अगर वो आपसे ऊपर पैसे के मामले में है तो बहुत अच्छा है या फिर आपके लेवल पे होना चाहिए पैसे के मामले में तो ये दो चीजें आपको देखनी चाहिए जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं आप ऐसा तो नहीं आप इनवाइट करने जा रहे हैं किसी ऐसे बंदे को जिसकी बाइंग कैपेसिटी नहीं है जो खरीद नहीं सकता जो बहुत ज्यादा गरीब है जिसके पास पैसा ही नहीं है ऐसा तो नहीं आप ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा गरीब है मजदूर हैं रिक्शा चला रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं जहां पे बाइंग कैपेसिटी ना हो अब आप बोलेंगे जी आप बोलते सर जैसे आप दस लोगों से मिलते हैं तो तीन चार या दो लोग ज्वाइन हो जाते हैं लेकिन हम तो दस लोगों से मिलते हैं कई बार वो भी ज्वाइन नहीं होते <laughs> तो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं किस तरह के लोगों को आप प्लान दिखा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं वो बाइंग कैपेसिटी रखते ही ना हो वो बहुत ज्यादा गरीब हो अब ऐसे लोग जिनके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है खाने तक को पैसा नहीं है वो आपके प्रोडक्ट क्या खरीदेंगे और आपके साथ बिजनेस क्या करेंगे हालांकि कई केसेस में ऐसा होता है कि लोग काम करते हैं जिनको जरूरत होती है लेकिन दोस्तों इसमें आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा वहां पे जो बहुत ही हैंड टू माउथ है जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि भाई मैं जिसको इनवाइट कर रहा हूँ या तो वो मेरे लेवल का हो या मुझसे थोड़ा सा अपर हो तीसरी चीज है कि कई बार क्या होता है दोस्तों ये मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया शुरू में नेटवर्क मार्केटिंग में उतना पैसा नहीं आता जितने की आप चाहत रखते हैं क्योंकि आपको पहले फाउंडेशन बनाना होता है फाउंडेशन मजबूत करना होता है और जब आपका टीम आपका नेटवर्क बन जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि कम मेहनत में बहुत ज्यादा पैसा आता है लेकिन शुरुआत में ज्यादा मेहनत में कम पैसा आता है तो कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे रहते दिल्ली में हैं और आपने टीम बनाने चले गए बिहार में आप यूपी में चले गए आप पंजाब में चले गए आप जहां रहते हैं वहां तो आपने टीम बनाई नहीं जहां रहते हैं वहां तो आपने जड़ को मजबूत किया नहीं जहां रहते हैं वहां के लोगों को तो ज्वाइन कराया नहीं आप जहां रहते हैं वहां के लोगों से आप एक अच्छी इनकम पे पहुंचे नहीं और आपके इनकम कम है या नहीं है और आप क्या करने लगे दूसरे स्टेट में चले गए तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी सिटी में काम करना चाहते हैं किस सिटी के लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं ऐसा तो नहीं बिहार के लोगों को भी आप चाह रहे हैं पंजाब के लोगों को भी छत्तीसगढ़ के लोगों को भी कोलकाता भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं वहां पे भी इनविटेशन कर रहे हैं तो दोस्तों ऐसे में क्या है कि आपके जो पैसे हैं कहीं भी आने जाने पे बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं और उतनी इनकम नहीं होती क्योंकि तो ये बिजनेस एक बार जाके ज्वाइन कराने का नहीं है उसके पास आपको बार बार जाना पड़ेगा जब तक वो एट स्टार या लाइन नहीं बन जाता जब तक आपको लगातार जाना पड़ेगा तो जहां पे आप रहते हैं जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी के पचास किलोमीटर में या सौ किलोमीटर के दायरे में जहां पे आप एक दिन में अप डाउन कर सकते हैं बस से ट्रेन से या अपनी मोटरसाइकिल से आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसी सिटी में आपको इन्विटेशन का काम करना चाहिए क्योंकि आपका रहना फ्री है आपका खाना फ्री है आपका सोना फ्री है आप उस बंदे से बार 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 मिल सकते हैं कितनी बार भी मिल सकते हैं लेकिन आपने बहुत दो जोड़ दिया तो हर बार आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा मिलने के लिए ऐसे लोगों के साथ आपको आप, आप जब लिस्ट बनाते हैं तो उसमें आप देखते हैं उसके बारे में आप जानते हैं कि भाई मैं किसको अपनी लिस्ट में रहा हूं तो सबसे पहले ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए जो बर्निंग डिजायर रखते हैं जिनकी सोच बड़ी पॉजिटिव हो जिनसे बात करने में आपको फीलिंग आती है कि ये बंदा कुछ लाइफ में करना चाहता है तो ऐसे लोगों से और जिनकी बाइंग कैपेसिटी है ऐसे लोगों से आपको बात करनी चाहिए इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स जैसे आ, कोई सोसाइटी है कोई अपार्टमेंट है उसके जो आर डब्ल्यू ए के प्रेसिडेंट होते हैं आप उनसे बात करिए कहीं पे आ, जैसे सम्मानित जो लोग होते हैं कहीं पे सरपंच हैं गांव में अगर आप जा रहे हैं तो अगर आप सरपंच को समझाते हैं तो बहुत सारे लोग समझ जाते हैं कहीं पे टीचर्स हैं टीचर्स का बड़ा प्रभाव होता है अपने यहाँ पे डॉक्टर्स हैं डॉक्टर्स का बड़ा प्रभाव होता है तो influencers कौन से होते हैं जहां पे जिनका एक प्रभाव होता है कि अगर हम इस बंदे को जोड़ेंगे तो इस बंदे के माध्यम से बहुत सारे लोग हमारे साथ एसोसिएट हो जाएंगे फिर ऐसे एम्बिशिय लोगों को आपको इनवाइट पहले करना चाहिए जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं कुछ बनना चाहते हैं और लास्ट में जब आप इनविटेशन करते हैं तो उनमें से आपने ये देखना है कि उस बंदे की क्रेडिबिलिटी कैसी है जिसको आप इनवाइट करने जा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं उसने पिछले दो चार कंपनियों में काम किया हो लोगों के लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट में लगवा दिया हो वहां पे उसकी फेस वैल्यू बहुत ज्यादा खराब हो अब वो आपके साथ जुड़ने जा रहा है और ऐसे आदमी की बात कोई मानता नहीं है ऐसे आदमी की बात कोई सुनता नहीं है जिसकी क्रेडिबिलिटी जिसकी गुडविल मार्केट में खराब हो चुकी हो तो कहीं ऐसा तो नहीं आप ऐसे बंदे को अपने साथ रहे हो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वो कहीं भी प्लान देने जाएगा और उसको वो नहीं मिलेगी उसको वो वैल्यू नहीं मिलेगी और आपको भी नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि उसने पहले ही बहुत लोगों का पैसा डुबा रखा है तो ये पता कैसे चलेगा आप उसके फेसबुक प्रोफाइल पे जाओ उसकी एक्टिविटी देखो ये वो क्या क्या कहता है कैसे कैसे कहीं आता जाता है क्या खाता है फाइव स्टार होटल में उठता बैठता है उसकी किस तरह की है तो आप फेसबुक के माध्यम से ये पता लगा सकते हैं तो दोस्तों ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं ये पॉइंट्स मैंने आपको जो बताए हैं ये पहले पॉइंट्स बताए क्वालिफाइंग फर्स्ट क्वालिफाइंग फर्स्ट का मतलब दोस्तों यह है कि आप अपने बंदे को पहले ऐसा आप देखिए कि वो आप उसको समझाएं क्या आपके वो समझाने लायक है या नहीं तो क्वालिफाइंग फर्स्ट फिर हम इसके बाद आते हैं सेकंड चैप्टर uh, पे और सेकंड जो चैप्टर हमारा वो है डज और डॉन्ट क्या करें और क्या नाम बोले तो अब मैंने आपके स्क्रीन पे स्लाइड भी लगा दी है एक सेकंड तो आ, एक सेकेंड ठीक है तो डस्ट और एं, एंड एंड डोंट कि अब क्या करें क्या बोलें क्या ना बोलें अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों अब जैसे कि हम ज्यादातर तो जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उन वर्ड्स को हमें थोड़ा सा चेंज करना है जैसे बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो बहुत पुराने वर्ड्स हो चुके हैं तो उनका इस्तेमाल कम करके आपको कुछ नए वर्ड्स अपने उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा जैसे हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं पहले हम बात करेंगे डोंट्स की हमें क्या नहीं बोलना है तो जैसे हमें क्या नहीं बोलना की अगर हम बात करें तो जैसे मीटिंग वर्ड है मीटिंग वर्ड बहुत ही पुराना वर्ड है और ये बहुत ही लोग इस्तेमाल कर चुके हैं सेमिनार वर्ड है सेमिनार को बहुत लोग इस्तेमाल कर चुके हैं बहुत ही पुराना वर्ड हो गया हर कोई सेमिनार से वाकफ हो गया कि ये सेमिनार क्या होता है फिर उसके बाद है जैसे कंपनी का नाम जब भी आप किसी को इनवाइट करें तो आप कभी भी कंपनी का नाम ना बताएं तो कंपनी का नाम बताने से क्या होगा कि वो आजकल ऑनलाइन है ऑनलाइन हर कोई देख लेता है और देखने के बाद फिर वो वहीं से सारी अपने आप में कलाकारी कर लेता है कि मुझे जुड़ना है या नहीं जुड़ना उसको कुछ समझ में नहीं आता कंफ्यूज हो जाता है जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो प्रोडक्ट्स के बात बारे में भी कोई बात नहीं करनी ना ही कंपनी के बारे में कोई नाम बताना है आपने सिंपल आपको उसको इन्वाइट करना है अपलाइन और डाउनलाइन का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है आपको और प्लान नहीं दिखाना है कभी भी इन्विटेशन के समय तो मीटिंग वर्ड्स सेमिनार वर्ड्स एंड उसके अलावा मेंबर बनाने का नाम या फिर कंपनी का नाम प्रोडक्ट्स का ना प्रोडक्ट्स की डिटेल अपलाइन डाउनलाइन और प्लान शो कभी भी नहीं करना जब आप किसी को इनवाइट करते हैं सिर्फ आपको इनवाइट करना है प्लान के बारे में कोई भी चीज़ नहीं आपको बतानी है अब बात यह कि हमें क्या बोलना है मीटिंग की बजाय हमें बोलना है स्पेशल इंफॉर्मेशन आज से जो हम लोग इस वर्ड इस्तेमाल करने वाले हैं वो है स्पेशल इंफॉर्मेशन कि जब आप मीटिंग के लिए बुलाते हैं मीटिंग का नाम ना लेके आपने ये बुलाना है जी एक स्पेशल इंफॉर्मेशन वहां पे दी जा रही है और वहां पे स्पेशल इंफॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया होने वाली है बहुत ही खास है तो उस स्पेशल इंफॉर्मेशन जो आपको मिलने वाली है हेल्थ के बारे में मिलने वाली है दोबारा स्पेशल गाइडेंस के बारे में हम बात कर सकते हैं नॉलेज और डिस्कशन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स वर्ड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हेल्थ काउंसलर हेल्थ काउंसलर वर्ड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं साथ में अमेजिंग अपॉर्चुनिटी जैसे हम अगर सेमिनार के लिए इनवाइट करते हैं तो हम उसकी जगह एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जहां से आपकी लाइफ टोटली चेंज हो सकती है हम ये कह सकते हैं तो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना लाइफ चेंजिंग वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप जिनको अप्लाइंस को आप इनवाइट कर रहे हैं उनके लिए आप बता सकते हैं जी नेशनल कोच आ रहे हैं या इंटरनेशनल कोच आ रहे हैं जो हमें हेल्थ की बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देने वाले तो इस तरह के वर्ड्स आप इन्वेट इन्वाइट इन्विटेशन में यूज कर सकते हैं दोस्तों इन्विटेशन का जो पूरा मतलब है इनविटेशन का जो पूरा मतलब होता है वो होता है हाइप्स को क्रिएट करना इनविटेशन का जो मतलब है एक क्यूरियसिटी को क्रिएट करना एक हाइप को क्रिएट करना ना ही कि आप सब चीजें अगर आप बता देंगे फोन पे इनविटेशन करते समय तो वो फिर आपके सेमिनार में नहीं आएगा अब आता है जी नो अबाउट प्रोस्पेक्ट कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में क्या पता होना चाहिए सबसे पहले उसकी जो तो प्रेजेंट की सिचुएशन कैसी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और उसकी बाइंग कैपेसिटी कैसी है उसके बारे में पता होना चाहिए यानी कि वो अभी जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है वो किस वजह से इस बिजनेस में आ सकता है हेल्थ को लेके आ सकता है या अपॉर्चुनिटी को लेकर आ सकता है उसकी बाइंग कैपेसिटी इस समय कैसी है आपने थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया होना चाहिए उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है पहले उसने क्या क्या काम किया ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए उसकी हॉबीज क्या है आप ये सब पता लगा सकते हैं ज्यादातर फेसबुक पे जाके उसके प्रोफाइल पे एंड उसका लाइफस्टाइल किस तरह का है ये आप थोड़ा सा अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं तो उससे पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए उसके बारे में जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी इनविटेशन के अंदर में अब हम बात करते करते हैं हैं कॉन्फिडेंस की जब आप किसी को इनवाइट तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही हाई होना चाहिए तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने का मतलब है कि दोस्तों यू आर एक्सपर्ट ऑफ दिस बिजनेस यू आर एक्सपर्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन यानी अगर मैं बात करूं देखिए एक्सपर्टाइजेशन क्या हो, क्या होता है जैसे अः जाकिर हुसैन है जो तबला बजाते हैं तबला तो हर कोई बजाता है लेकिन तबला उनका कोई सुनता नहीं है लेकिन जब जाकिर हुसैन अगर तबला बजाता है या उसको कोई बुलाता है तो वो लाख है क्योंकि वो तबले में एक्सपर्ट है इसी तरह जावेद हबीब वो बाल काटने में एक्सपर्ट है वो उसकी जो तो रेट है वो बहुत हाई है बहुत का टाइम लेना पड़ता है इसी तरह बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे आप बर्गर खाते हैं रेडी पे तो एक बर्गर है दस रुपए का बिकता है अगर वही आप बर्गर किंग में या फिर मैकडी में खाते हैं तो पचास साठ सौ रुपए का मिलता है बर्गर क्योंकि उसके अंदर एक्सपर्टाइजेशन उन्होंने कर रखी है इसी तरह आप चाय कहीं ठेले पे पीते हैं तो दस रुपए की मिलती है वही चाय जब आप फाइव स्टार में पीते हैं तो तीन सौ चार सौ रुपए की हो जाती है क्योंकि एक्सपर्टाइजेशन तो आप ये जो है कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस दोस्तों आपका आपके बिजनेस में आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको कॉन्फिडेंस से ही बात करनी चाहिए तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये उतार लो कि यू आर द एक्सपर्ट ऑफ दिस बिजनेस सामने वाला जो बैठा है उसको इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता आपको सब पता है जो आप बताओगे वही वो सुनेगा यू आर द मास्टर ऑफ द टॉपिक अब आपका जो टॉपिक है वो क्या टॉपिक है आप डैमो दिखा रहे हैं बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं या प्रोफाइल दिखा रहे हैं या प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। जो भी आप बता रहे हैं इसके मास्टर आप है ये अपने दिमाग में टाल लो यू आर द एक्सपर्ट यू आर द मास्टर ऑफ द टॉपिक एंड यू आर हेल्पिंग अदर पीपल्स और आप क्या करने आए हैं लोगों की हेल्प करने आए हैं लोगों की मदद करने आए हैं दोस्तों ये अपना हाथ हमेशा आपका ऊपर होना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज द राइट प्लेटफॉर्म इज द वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहां पर लोग अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं एंड यू आर अफरिंग बेस्ट प्रोडक्ट एंड प्लान जब आप किसी के पास जा रहे हैं तो आप उसको ऑफर कर रहे हैं बेस्ट प्रोडक्ट जिससे उसकी हेल्थ अच्छी हो सकती है और जिससे उसके पास पैसा आ सकता है ऐसा पैसा जो उसकी जिंदगी को बदल सकता है अब हम बात करते हैं एक्साइटमेंट आपके अंदर एक ऐसा एक्साइटमेंट होना चाहिए जब ये आप किसी के पास जा रहे हैं तो आपको ये फील करना चाहिए ये फील करना चाहिए कि यू आर द टॉप मोस्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मोस्ट है यानी आप एक बहुत ही ऊंचे रैंक पे हैं आप यहाँ पे टॉपर्स हैं क्योंकि दोस्तों जब सामने वाले को आप समझाने जा रहे हैं सबसे पहले बात तो आपकी गुड लुकिंग होनी चाहिए आप चार्मिंग दिखने चाहिए आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए एंथुजियास्टिक होने चाहिए वो तेजना होनी चाहिए आपके अंदर मतलब एक्साइटमेंट की आज मैं जा रहा हूं तो आज मैं कुछ बढ़िया करके आऊंगा तो सबसे पहले आपके मन में एक फीलिंग होनी चाहिए यू आर द बेस्ट यू आर द दस यू आर द परफॉर्मर और आपकी इनकम इस ऑर्गेनाइजेशन इस में बहुत ही बढ़िया है दोस्तों आ, मैं इसके ऊपर जल्दी से एक कहानी सुना देता हूं जब आप कुछ चीज सोचते हैं या फिर आपको कोई चीज ऐसी दिखाई जाती है तो आप उसको ही सच मान लेते हैं जब आप ये चीज सोचेंगे आई एम द बेस्ट आई एम द चैंपियन आई एम द टॉपर एंड मैं यहाँ से बहुत ही अच्छी इनकम कमा रहा हूं तो ये चीज आपके जहन में आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और यही फ्यूचर में आपके साथ होने वाला है तो जल्दी से मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास एक ब्राह्मण होता है और उसको वो कहीं पे कथा कर रहा होता है कथा करने के बाद उसको एक बछड़ा मिलता है और वो बछड़े को अपने कंधे पर रखे जा रहा होता है और चार दोस्त होते हैं जिनकी नजर उसके ऊपर होती है ब्राह्मण के ऊपर और ये कहते हैं बछड़ा तो बहुत बढ़िया है ब्राह्मण से ले कैसे ब्राह्मण तो देंगे ही नहीं तो वो क्या कहते हैं प्लान करते हैं वो एक एक किलोमीटर की दूरी पे चारों दोस्त खड़े हो जाते हैं तो एक पहला दोस्त ब्राह्मण को मिलता है ब्राह्मण से नमस्ते कहता है ब्राह्मण जी नमस्कार प्रणाम वो कहते प्रणाम प्रणाम बताइए कैसे बहुत बढ़िया तो कहते हैं सब कुछ बढ़िया ब्राह्मण जी लेकिन ये बताइए जी आप गधे का बच्चा अपने कंधे पे क्यों लग, रखे जा रहे हैं तो ब्राह्मण उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है गधे का बच्चा नहीं है ये घोड़ा है घोड़ा है, है उसको धमकाता है उसको भगा देता है और एक किलोमीटर के जब वो आगे जाता है तो दूसरा दोस्त खड़ा होता है वो कहता है ब्राह्मण जी राम राम पंडित जी वो कहते राम राम जी राम और सब सही है हाँ जी बिल्कुल सब सही है पंडित जी सब बात तो ठीक है बताओ ये गधे का बच्चा आपने कंधे पे क्यों रख रखा है फिर पंडित जी को गुस्सा आता है पंडित कहता है ये गधे का बच्चा नहीं ये गाय का बछड़ा है तो वो फिर भगा देता उसको कहता है घट यहाँ से जा फिर वो और आगे जाता है तो एक और दोस्त मिलता है एक किलोमीटर की दूरी के आसपास वो कहता है पंडित जी राम 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 फिर कहता है पंडित जी और कैसे सब ठीक है पंडित जी ये बताइए आपने गधे का बच्चा क्यों रख रखा है अपने कंधे पे तो पंडित जी उसको भी धमकाते गधे का बच्चा नहीं गाय का बच्चा है तुझे दिखता नहीं है तुम सब पागल हो गए हो ये गाय का बच्चा मैंने रखा तो वो उसको भी भगा देता है फिर पंडित अपने मन में सोचता यार ये सारे लोग जो मिलते हैं ये गधे का बच्चा बोलते हैं और ऐसे एक आदमी बोल सकता है दो आदमी ऐसे कैसे हो सकता है वो सोच के जा रहा होता है एक किलोमीटर आगे एक आदमी और मिलता है उसका जो चौथा दोस्त होता है क्या पंडित जी राम राम कहता है राम राम जी राम राम कह पंडित जी सब बढ़िया कहते बढ़िया पंडित जी ये बताओ ये जो गधे का बच्चा क्यों रख रखा है आपने अपने कंधे पे तो पंडित जी कहते हैं भाई ये गधे का बच्चा नहीं है गधे का बच्चा नहीं है ये गाय का बछड़ा है मैं कितनी बार बता चुका हूँ कितने लोगों को बता चुका हूँ ये गधे का बच्चा नहीं है गाय का बछड़ा है कह रहे पंडित जी आपको लगता है समझ नहीं आ रहा ये तो गधे का बच्चा है आप किसी से भी पूछ लेना गधे का बच्चा है और वो आदमी भी चला जाता है थोड़ी देर बाद पंडित को यह यकीन हो जाता है कि जिसको मैं ले जा रहा हूँ वो गाय का बछड़ा नहीं वो गधे का बछड़ा और वो क्या कहता है अपने कंधे से उसको उतारता है और वहां रख के और चला जाता है फिर वो चारों दोस्त आते हैं और उस गाय के सुंदर से बछड़े को लेके चले जाते हैं तो दोस्तों जो चीज जहन में आपके जा रही है जो चीज बार बार आपके साथ हो रही है जो बार बार सामने आ रही है वही चीज बाद में हकीकत बन के आ जाती है आपके पास तो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन लो ऑफ attraction जैसा आप कुदरत को बोलेंगे कुदरत आपके पास वही चीज भेजेगी वही मैसेज भेजेगी वही आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर सेट हो जाएगा क्या बोलेंगे यू आई एम द चैंपियन आई एम द बेस्ट आई एम द टॉपर मैं यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूं और मैं यहाँ पे लाखों रुपए महीना कमा रहा हूँ इस तरह से जब आप करेंगे तो आप यहाँ पे एक सक्सेसफुल एक एक्साइटमेंट के साथ जाएंगे आप जब एक्साइटमेंट के साथ जाएंगे तो जो भी आप मीटिंग करेंगे वो सक्सेसफुल मीटिंग होने वाली है दोस्तों अब हम बात करते हैं इनविटेशन ब्लूप्रिंट सबसे पहले जो इनविटेशन होना चाहिए दोस्तों नीड बेस्ड होना चाहिए जब आप किसी को बुला रहे हो और अगर आप ये आपने सोचा कि मैं अपने फायदे के लिए बुला रहा हूँ मैं अपने लालच के लिए बुला रहा हूँ तो आपका जो है इन्विटेशन खराब हो जाएगा आपको उसको समझना है सामने वाले को उसके बारे में उसकी करेंट सिचुएशन क्या है प्रेजेंट में वो कैसी लाइफ को जी रहा है तो जब आप उसके ये देखेंगे कि भाई उसके घर में ज्यादा जरूरत किसकी है ज्यादा जरूरत किसकी है उसकी हेल्थ को लेके प्रॉब्लम है या इनकम को लेके प्रॉब्लम है और जब आप नीड बेस जब आप नीड बेस उसको सॉल्यूशन देंगे तो वो आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन होता है तो आप जब भी किसी को अगर इन्वाइट करें तो उसके फायदे के लिए उसको एक सॉल्यूशन देने के लिए आपका हाथ हमेशा ऊपर होना चाहिए दूसरा टाइम बेस्ड होना चाहिए आपको प्रेजेंट में क्या सिनेरियो उसकी लाइफ में चल रहा है किस वजह से वो परेशान है या क्या नहीं उसके पास है वो आपको समझना है और अभी जैसे कोविड में आया था कोविड में सब लोग प्रॉब्लम में थे तो आपको ये समझना है कि भाई आज का सिनेरियो सिनेरियो के बारे में उसको बात करनी है कि अभी पीछे कोविड आया था हम सब लोगों की इनकम रुक गई थी हम सब लोग घर में बंद हो गए थे जॉब चली गई थी दुकानें बंद हो गई थी इन फ्यूचर भी ऐसा हो सकता है तो एक अदर हैंड आपको अपने साथ तैयार करके चलना चाहिए जब आप इन्विटेशन करें दोस्तों तो पांच दिन दस दिन पहले नहीं करना चौबीस से अड़तालीस घंटे पहले चौबीस से अड़तालीस घंटे पहले आपको इनविटेशन करना है तो ये इनविटेशन बहुत बड़ी चीज है 24 48 घंटे पहले जब आप इनविटेशन कहते हैं प्रेजेंटेशन से तो उसके बाद उसके बाद क्या होता है फिर उसको रिमाइंडर भेजिए उसको याद दिलाइए कि हमने ऐसे ऐसे टाइम फिक्स कर रखा है उसको मैसेज करिए क्रिएट क्यूरियसिटी आपको क्यूरियसिटी जगानी है सामने वाले के अंदर जितनी ज्यादा आप क्यूरियसिटी जगाएंगे मतलब एक हाइप क्रिएट करके रखना है आपको सब चीजें खोलनी नहीं है कुछ बताना नहीं है प्रोडक्ट कंपनी कुछ नहीं नाम कुछ नहीं बताना अब एक चीज काम करते फियर और डिजायर दोस्तों फियर और डिजायर फियर और डिजायर का मतलब ये है दोस्तों यहाँ पे जैसे जो फियर ऑफ लॉस होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिजायर जैसे आप एक ट्रेनिंग में बैठे हैं आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ट्रेनिंग ले रहे हैं कि अब मैं फ्यूचर में एक बड़ा आदमी बनूंगा कामयाब बनूंगा यहां से पैसे कमाऊंगा ये एक ट्रेनिंग ले रहे हैं और दूसरी तरफ आपका एक नोट है दो हजार रुपए का कहीं गिर गया है तो वो जब नोट आपका दो हजार रुपये का गिर गया आपको पता वहां गिर गया तो आप क्या करेंगे ट्रेनिंग कंटिन्यू करेंगे दो हजार का नोट लेने जाएंगे तो दोस्तों आप दो हजार का नोट पहले लेने जाएंगे यानी इसके अंदर जो है ना फियर ऑफ लॉस फियर ऑफ लॉस है यहाँ पे कि यार मेरा दो हजार का नोट चला जाएगा पहले मैं उसको लेता हूँ क्योंकि से ट्रेनिंग ले तो पैसा बाद में लेकिन वो पहले पहले वो मैं ले लेता हूँ तो यहाँ पे फियर ऑफ लॉस होता है आपने फिर उसको वही चीज समझानी है कि यार कल को अगर फिर ऐसी आ गई हम सब लॉकडाउन हो गए तो क्या होगा कल को तेरे साथ अगर भाई फियर फियर मतलब किस एज ग्रुप को देना है वो भी आपको पता होना चाहिए पैंतीस चालीस साल के बाद फिर जिनके बच्चे होते हैं उनको फियर ऑफ लॉस होता है जो 18 20 22 साल के उनको फियर ऑफ लॉस नहीं होगा जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिम्मेदारी है जिनके ऊपर कई लोग डिपेंड है जिनके लिए वो अपनी फैमिली के आर्नर है चाहे पैंतीस चालीस साल के लोगों को आप फियर ऑफ लॉस दे सकते हैं तो फियर ऑफ लॉस क्या है कि भाई अगर हम इसी तरह हैंड टू माउथ रहेंगे जब कुआं खोदेंगे तो पानी आएगा कुआं नहीं खोदेंगे तो पानी नहीं आएगा ऐसी जिंदगी कब तक चलेगी तो फियर ऑफ लॉस होता है कि भाई कल को जॉब चले गई कल को एक्सीडेंट हो गया आपको बेड रेस्ट हो गए या कल को भगवान ना लगा कुछ हो गया तो आपके बाद आपकी फैमिली को कौन देखेगा दूसरा है जो यंगस्टर्स होते हैं यंगस्टर्स जो बच्चे होते हैं बीस बाईस पच्चीस साल के उनको फियर ऑफ लॉस नहीं दिखाना उनको आपको फ्यूचर दिखाना एक्साइटमेंट दिखाना ट्रेनिंग दिखाना है मॉल दिखाना है आपको यहाँ पे टूर्स दिखाने इंटरनेशनल टूर्स यहाँ पे उसको पैसिव इनकम दिखानी है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई किस तरह के लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं अब फिर उसके बाद जो एक हम यहाँ पे अभी क्योंकि ट्रेनिंग ये अभी हमारे पास टाइम हो चुका है तो लास्ट एक चीज हम बात करेंगे इन्विटेशन पे फॉर्म एफ ओ आर एम फॉर्म एक का एक थ्योरी एक फॉर्मूला है कि आप किस तरह से इन्वाइट करेंगे तो आपको क्या चीज बोलनी है नेक्स्ट टाइम में जब हम ट्रेनिंग करेंगे तो इनविटेशन के ऊपर पूरा हम टॉक करेंगे कि किस तरह से हम इनवाइट करें लेकिन आज हम जो आखिरी टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं एफ ओ आर एम फॉर्म ये एक फॉर्मूला है इनविटेशन का तो फॉर्म के अंदर एफओ आर एम में दोस्तों पहला जो एफ है पहला जो एफ है दोस्तों ये होता है फैमिली डिस्कशन जब भी आप किसी से बात करते हैं इनविटेशन की तो सीधा इनवाइट नहीं करना आपको पहले एक रैपो बनानी है रेपो मतलब एक एनवायरमेंट को सेट करना आपने एक एनवायरमेंट को आपने सेट करना है तो जैसे मैंने आप भी लिख भी रखा है फैमिली डिस्कशन तो और कैसे हैं सर सब ठीक है परिवार में सब ठीक है घर में बच्चे उच्चे बाल गोपाल सब ठीक है हाँ जी सब ठीक है देन ओ ओ फिर होता है ऑक्यूपेशनल डिस्कशन ऑक्यूपेशनल डिस्कशन का मतलब है दोस्तों कि काम धंधे की बात और अब काम कैसा चल रहा है आपका और जॉब सही चल रही है कैसा चल रहा है मतलब वो बताएगा कि यार ये काम क्या है मतलब तो वही हैंड टू माउथ है जिंदगी में वही जॉब कर रहे हैं पीछे भी वही कर रहे थे अभी भी कर रहे हैं ये वो दुकान है कुछ भी वो बताएगा आपने देन उसके बाद आपको टेल हिम रीजन रीजन का मतलब है आर एफ ओ आर यानी रीजन देन उसको क्या है रीजन बताना आर कि आपने उसको किस लिए फोन किया है तो रीजन तो हमारा एक ही है कि हम उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए फोन कर रहे हैं ठीक है तो डायरेक्टली भी, भी बता सकते हैं इनडायरेक्टली भी बता सकते हैं ठीक है और गिव हिम स्ट्रॉन्ग मैसेज एक उसको लास्ट में मैसेज देना है कि भाई वो यहाँ पे किस लिए आएगा ठीक है तो उसको एक मैसेज देना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज किया देख तू तो जॉब कर रहा है पिछले छह साल से जॉब कर रहा है मैं जानता हूँ जॉब में कितनी दिक्कतें होती है यार भगवान ना करे कल को फिर कोविड जैसा कुछ हो गया या कुछ और प्रॉब्लम होगी तो तेरी फैमिली को कौन देखेगा इनकम है वो बंद हो जाएगी तो मैं तेरे को ना एक मैं एक ऐसा रास्ता बता रहा हूँ एक ऐसी अप, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ जो यहाँ पे तू पचास से लाख रुपए कमा सकता है मतलब कॉन्फिडेंटली आपको कहना है उसको ये कॉन्फिडेंटली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज रिक्वेस्ट नहीं करनी नो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट नहीं करनी है कॉन्फिडेंटली आपको बोलना है देख मैं तो को ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ भाई कि तू यहाँ पे पचास हजार से लाख रुपए कमा सकता है तो बस मैं जो कह रहा हूँ ना आधा दो दो घंटे लगेंगे एक घंटे लगेंगे तो एक बार सब कुछ बता दूंगा तो दोस्तों ये एफ ओ आर एम एक जो हमारा है आ, गिव हिम स्ट्रॉन्ग मैसेज मैसेज का मतलब है मैसेज का एम एफ फॉर फैमिली डिस्कशन ऑफ आपको पर्सनल डिस्कशन एंड आर फॉर रीजन एंड एम फॉर मैसेजेस एक कि आप उसको क्या चाहते हैं क्यों चाहते हैं, आप उसको क्यों बुला रहे हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा invitation का हमारा था क्योंकि टाइम हमारे बड़ा है आठ बज के तैतीस मिनट हो गए तो राम मनोज सोच रहे मेरा भी तो नंबर आने दो सर <laughs> तो आज के मैं अपने एंकर को दोबारा से इनवाइट करता हूँ कल मेट्रो गेल बैंक हॉल में ग्यारह बजे सेमिनार है जो भी आदमी अपने पांच नए गेस्ट लेके आएगा उन सबको कुछ ना कुछ इनाम देने वाले हैं जो भी आदमी अपने पांच नए गेस्ट लेके आएगा कल उसको कुछ ना कुछ, ना कुछ इनाम देने वाले हैं और दो बजे से कल हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग होगी मेट्रोगिल बैंकेट हॉल के अंदर दोस्तों तो मेट्रोगिल बैंकेट हॉल में कोर मीटिंग में इस बार हमने सिक्स स्टार को शामिल किया है तो जितने भी सिक्स स्टार है उन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि कल दो बजे मेट्रो गिल में स्नैक्स और नो एंट्री फीस कोई टिकट नहीं है आप सब लोगों को सिक्स सेवन एट स्टार एंड अबो दो बजे कल हम कोर मीटिंग करने वाले हैं अगले तीन से छह महीने में हम बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं यहाँ पे हर जितने भी लोग हैं सबके सिक्स फिगर में इनकम होने वाली है तो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच राम मनोजी मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू वाह wow, ग्रेट सर बहुत ही बढ़िया वंडरफुल मजा आ गया सर और बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग थी बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग थी जबरदस्त मतलब सर ये जो ट्रेनिंग थी ये ट्रेनिंग अगर